नमस्कार, न्यूज 29 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं कनुप्रिया। ये नजर डालते हैं अब तक की ताजा खबरों पर। मुरैना कलेक्टर भरत यादव ने केलारस तहसील प्रांगण एवं जनपद कार्यालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुरैना कलेक्टर भरत यादव उपस्थित थे। लगातार हो रही वृक्षों की कटाई से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ गया है, जिसके चलते प्रशासनिक अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा पौधे लगाकर जनता के बीच संदेश दिया। साथ ही कार्यक्रम में आए मुरैना कलेक्टर भरत यादव ने कहा कि पौधे लगाना आसान है, लेकिन हमें पौधे लगाकर उनका पालन पोषण भी करना होगा। स्वच्छ भारत अभियान में जिला हमारा पिछड़े नहीं अच्छा काम करे, और इसमें केलारस जनपद ने बहुत अच्छा काम किया। उसके लिए अध्यक्ष जी और उनकी पूरी टीम बधाई की पात्र है। और ODF तो हम हो गए हैं, लेकिन जो शौचालय और बचे हुए हैं, अगर कहीं छूट गए हैं तो वो बन जाएं, और जो बन गए हैं उनका सब लोग प्रयोग करें, आदत डालें हम उसकी। हमें जो है ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। साथ में आज पौधारोपण अध्यक्ष जी ने तहसील परिसर में, जनपद परिसर में कराया है, और अध्यक्ष जी बड़े स्तर पर पौधारोपण का प्रोग्राम ले रहे हैं। उसमें भी जिला प्रशासन का और हमारा जनपद का पूरा सहयोग रहेगा। उसमें भी आग्रह यही है सब लोगों से कि पौधे भले ही हम कम लगाएं, जो भी लगाएं वो सुरक्षित रहना चाहिए, वो आगे बढ़ना चाहिए, ये हम लोगों का प्रयास होना चाहिए। वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम रखा गया, जिसका श्रीमान जिलाधीश महोदय जी के द्वारा शुभारम्भ कराया गया। और हमारा एक लक्ष्य है कि 63 पंचायत में हम जुलाई अगस्त के महीने में सभी पंचायतों में 100-100 पेड़ कम से कम हम लगाएं, और पेड़ भले ही कम लगे पर उनके जीवित होने के लिए अपने ज्यादा मेहनत करनी है, जागृत करना, लोगों को संकल्प दिलाना है। चाहे बैंक में आपको खाता खुलवाना हो या बच्चों के स्कूल प्रवेश, हर क्षेत्र में सरकार ने आधार को जरूरी कर दिया है। किंतु मध्य प्रदेश के सनावत नगर में बीते 4 महीनों से आधार कार्ड केंद्र बंद होने से आम नागरिकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आधार कार्ड केंद्र बंद हो जाने पर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि, विधायक व प्रशासन के अधिकारी इस मामले पर मौन हैं। आधार कार्ड संबंधित कार्य के लिए यहां के नागरिकों को बड़वाह व बेड़िया जाना पड़ रहा है। बीते दिनों कलेक्टर शशि भूषण सिंह के विभागों की समीक्षा बैठक में आने पर भी स्थानीय पत्रकारों ने आधार कार्ड केंद्र की समस्या से अवगत कराया था। तब उन्होंने नए आधार केंद्र खोलने की बात भी कही थी। इस ओर जिले के प्रभारी मंत्री विजय शाह को भी कई बार अवगत कराया गया, किंतु अभी तक इस ओर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई है। सिवनी जिले के धूमा में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी व युवक कांग्रेस और महिला प्रकोष्ठ ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन देकर प्रदेश में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के अपराधों पर अंकुश लगाने और आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की है। लचर कानून व्यवस्था से प्रदेश में लगातार बढ़ रहे दुष्कर्म के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब लोगों को सड़क पर उतर कर रैली करने की जरूरत पड़ रही है, और दुष्कर्म जैसे आरोपियों को सजा दिलाने के लिए लोग सरकार से अनुरोध कर रहे हैं। पिछले दिनों मंदसौर, छतरपुर, सागर, सतना और जबलपुर की शर्मसार कर देने वाली घटनाओं के बाद सिवनी जिले के धुमा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, युवक कांग्रेस एवं महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने धुमा थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा और दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने पर मांग भी की। आज कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये जो ज्ञापन बलात्कार के संबंध में मेरे समक्ष ज्ञापन सौंपे हैं, ठीक है, गृह मंत्रालय राज्य शर्मसार करने वाली घटना है। ऐसी घटनाओं में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, कानून है। इसके लिए मैं अपनी ओर से राज्यपाल पुलिस अधीक्षक मध्य प्रदेश में इन दिनों ज्ञापन और हड़ताल का दौर जारी है। आए दिन सरकार के खिलाफ या कोई संगठन या कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन देते नजर आते हैं, और इसी तारतम्य में शुक्रवार को नरसिंहपुर जिले की करेली और ग्राम स्तर से मध्याह्न भोजन में लंबे टाइम से अपनी सेवाएं दे रही स्व सहायता समूह की महिलाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।
महिलाओं की मांग है कि उनका वेतन मान जो कि 1,000 रुपए मासिक दिया जाता है उसको बढ़ाकर 5,000 रुपए किया जाए, जिससे उनके परिवार का पालन पोषण हो सके। यदि उनकी वेतन की मांग को नहीं माना जाता है तो सभी सामूहिक रूप से खाना बनाना बंद कर देंगी। नहीं देखिए, स्व सहायता समूह की महिलाओं को जब से भी काम पर रखा गया है या वो जो भी काम कर रही हैं तो उनकी जो शर्तें होती हैं वो पूरी पूर्व से निश्चित होती हैं, कोई शर्त आज की बनाई हुई नहीं है। और लगभग 4-5 आवेदन आए हैं इस तरीके के, तो उनको हमने देखा है, उनसे बात भी की है। और ये तो चूँकि नीतिगत मामला होता है तो इसलिए इसमें कुछ भी कह पाना संभव नहीं होता है कि हम तुरंत उनको कोई जवाब दे पाएँ, परंतु उनको हमने बताया है कि आपने जब काम शुरू किया था तो यही शर्त थी और वो सब काम करेंगे। उनका एक कहना था कि यदि बढ़ जाता है तो अच्छा है, इस तरीके की उनकी डिमांड है, हम लोग इसका परीक्षण करेंगे और इसको उचित स्तर पर भेजेंगे। केलारस की चंबल कॉलोनी स्थित कार्यालय पर विधायक सुबेदार सिंह ने गंभीर बीमारी और दुर्घटनाओं में मृत हुए व्यक्ति के परिजन को लाखों की सहायता राशि के चेक वितरित किए, जिसमें 34 हितग्राहियों को लगभग 5,00,000 से अधिक की सहायता राशि के चेक दिए गए। क्षेत्रीय विधायक द्वारा मुख्यमंत्री सहायता कोष से लगातार लोगों की सहायता की जा रही है, जिसके चलते विधायक द्वारा हर सप्ताह लगाए जाने वाले जन चौपाल में जनता की समस्याओं का समाधान भी किया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। प्रदेश और देश की हर खबर के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश में।